for latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी रोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 366 एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगेन एवरीडे सेइंग्स पार्ट टू। जी हाँ, कुछ ऐसे सेइंग्स जो हम रोजाना बोलते हैं हिंदी में, पर कई बार हमें इंग्लिश में उनका मीनिंग नहीं पता होता, तो उन्हीं की आज भी हम बात करेंगे जैसे लास्ट वीक में की थी। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोट पैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड सेइंग्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 366th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीडे सेइंग्स दैट वी यूज, जो कि हम हिंदी में तो कर लेते हैं बात, पर इंग्लिश में हमें नहीं पता होता, तो उसी की आज बात हो रही है। लास्ट वीक भी हमने सेइंग्स की बात की थी, तो चलिए आज भी बात करने लगे आगे और सेइंग्स की। पहली जो सेइंग आ रही है, फर्स्ट सेइंग फॉर द इवनिंग इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, शायद इसकी बात हमने कुछ साल पहले की है। बी आई टी ई बाइट, डी टी एच ई डी बुलेट, बी यू डबल एल ई टी बुलेट। बाइट द बुलेट यानी कि फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, कि मतलब साहस के साथ किसी मुश्किल हालात का सामना करें, तो उसे हम कहते हैं बाइट द बुलेट। जैसे He didn't want to go to the dentist, but he had to bite the bullet. कि वो जाना नहीं चाहता था dentist के पास, दांतों के doctor के पास, पर उसे जाना ही पड़ा, so he had to bite the bullet. Clear? तो चलिए इसके बाद जो second जो हमारी saying आ रही है शाम की, वो है burn the midnight oil. Burn the midnight oil. जी हाँ, इसकी भी बात हमने बहुत पहले शायद की है। Burn the midnight oil. B-U-R-N, burn, D-T-H-E-D, midnight, M-I-D-N-I-G-H-T, midnight oil, O-I-L, oil, burn the midnight oil, यानी कि stay up late working or studying, काम करने के लिए या पढ़ाई के लिए आप लेट लेट रात तक जगे रहे, उठे रहे, तो वो हो जाता है burn the midnight oil। जैसे example क्या हो जाएगा, she had an exam the next day, so she was burning the midnight oil, मतलब उसका अगले दिन paper था, इम्तिहान था, तो इसलिए वो रात को जगी रही देर तक। सो शी वॉज क्या जाएगा, बर्निंग द मिड नाइट ऑयल। क्लियर? तो जब आप किसी के लिए यूज करते हैं बर्निंग द मिड नाइट ऑयल, दैट मीन्स कि वो लेट रात तक काम करते रहे या पढ़ाई करते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस सेइंग और एनी अदर सेइंग और वर्ड, यू कैन ऑलवेज रीच मी हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। और या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, divyapens31@gmail.com। अभी के लिए जो थर्ड सेइंग आ रही है शाम की, वो है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, B-A-R-K-I-N-G, बार्किंग अप, यूपी अप, D-T-H-E, द रॉन्ग, W-R-O-N-G, रॉन्ग ट्री, D-R-E-E, ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी कि लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस और accusing the wrong person, मतलब गलत जगह पे कुछ चीज ढूंढना या गलत व्यक्ति को ठहराना जिम्मेवार किसी चीज का, तो वो हो जाता है barking up the wrong tree। जैसे example क्या हो जाएगा, if you think I took your book, you are barking up the wrong tree। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी किताब उठाई है, तो तुम गलत व्यक्ति पे डाउट कर रहे हो। सो इफ यू थिंक आई टुक योर बुक, You are barking up the wrong tree. Clear? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ सेइंग आ रही है शाम की, वो है hit the nail on the head. Hit the nail on the head. H-I-T, hit, D-T-H-E-D, nail, N-A-I-L, nail, on, O-N, on the head. H-E-A-D, head. Hit the nail on the head, यानी कि get something exactly right. कोई चीज बिल्कुल आप सही से कर दें, तो हो जाता है hit the nail on the head. जैसे example क्या हो जाएगा, When she said it was a waste of time, she hit the nail on the head. मतलब जब उसने कहा कि ये तो समय व्यर्थ करने वाली बात है, तो उसने बिल्कुल पते की बात की, बिल्कुल सही बात की। Clear? So she hit the nail on the head. Clear? तो ये होगी हमारी बहुत ही दिलचस्प, यूजफुल फोर सेइंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 366th एपिसोड। जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं। So the first word for the recap is bite the bullet, bite the bullet, B-I-T-E, bite, D-T-H-E, the bullet, B-U-L-L-E-T, bullet,
बाइट द बुलेट यानी कि फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। जब आप साहस के साथ एक मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, बाइट द बुलेट। जैसे ही डिडंट वांट टू गो टू द डेंटिस्ट बट ही हैड टू बाइट द बुलेट, कि वो जाना नहीं चाहता था डेंटिस्ट के पास पर उसे क्या हुआ, उसे जाना पड़ा, तो उसे सामना करना पड़ा, बाइट द बुलेट। क्लियर। इसी के बाद जो सेकंड सेइंग है इस शाम की वो थी बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, burn, burn, dthe, midnight, midnight, midnight oil, 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 burn the midnight oil, यानी कि stay up late working or studying। जब आप रात भर जगे रहे पढ़ाई के लिए या काम के लिए तो आ जाता है, तब क्या ये यूज हो जाता है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। जैसे शी हैड एन एग्जाम द नेक्स्ट डे सो शी वॉज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, कि उसको अगले दिन कोई पेपर था, इम्तिहान था, तो इसलिए उसे रात को लेट तक जग के पढ़ाई या काम करना पड़ा। सो शी हैड एन एग्जाम द नेक्स्ट डे सो शी वॉज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। क्लियर। इसी के बाद जो थर्ड सेइंग है शाम की वो थी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब कि barking, बार्किंग अप यूपी अप dthe, रॉन्ग wrong, रॉन्ग ट्री tree, ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी कि गलत डायरेक्शन में कोई चीज ढूंढना या गलत व्यक्ति पे कोई इल्जाम लगाना। जैसे लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस और एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, मतलब गलत डायरेक्शन में देखना या गलत व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना, तो वो हो जाता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ यू थिंक आई टुक योर बुक यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बुक ली है या उठाई है तो तुम गलत व्यक्ति पे इल्जाम लगा रहे हो। सो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्लियर। या तुम गलत जगह पे देख रहे हो। इसी के बाद जो फोर्थ सेइंग थी शाम की वो थी हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, HIT hit DTHED nail, NAIL nail, on 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 DTHED head, HEAD head, hit the nail on the head, यानी कि get something exactly right, कोई चीज बिल्कुल सही से करना, पते की बात करना, पते की चीज करना, तब हो जाता है। जैसे when she said it was a waste of time, she hit the nail on the head, मतलब जब उसने कहा कि ये तो समय व्यर्थ करने वाली बात है तो उसने बिल्कुल मुद्दे की बात की, उसने पूरा मतलब पूरी सही चीज कही, सो शी हिट द नेल ऑन द हेड। क्लियर। तो चलिए फिर ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट फॉर दिस 366th एपिसोड। बात चल रही है ऐसी सेइंग्स की जो हम अक्सर रोजाना अपनी लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में आज हम बात कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, और ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे और आगे सेइंग्स की। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। Now we are in the second segment of this 366th episode and we are talking about sayings that we often talk about in Hindi in our day-to-day life. So, ye rahega part 2 kyunki pichle hafte bhi humne aise hi sayings ki baat ki thi. To chaliye fir abhi ke liye jo fifth saying aadi sham ki wo hai throw in the towel. Throw in the towel. T H R O W throw in I N in D T H E the towel. T O W E L towel. Throw in the towel, यानी कि give up और admit defeat. जब आप हार मान जाते हैं या अपनी हार मान लेते हैं तो वो हो जाता है throw in the towel. जैसे after years of trying, he finally threw in the towel. मतलब बहुत सालों की कोशिश के बाद उसने give up कर दिया. So she threw. Throw का second form threw हो जाती है. पास में T-H-R-E-W, threw in the towel. So he finally threw in the towel. Clear? इसी के बाद जो sixth हमारी सेइंग है शाम की वो है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, एफ आई एस एच फिश आउट, ओ यू टी आउट, ऑफ ओ एफ ऑफ वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि समवन हु फील्स आउट ऑफ प्लेस, कोई व्यक्ति जिसको ऑकवर्ड लग रहा हो, उसे आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा हो, ठीक है, तो वो जाता है फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। She felt like a fish out of water at her new school. नए स्कूल में जब नए नए आप जाते हो किसी स्कूल में तो आपको ऐसा लगता है कि मैं awkward सा लगता है कि मैं बाहर का हूँ और सभी एक साइड पे, तो वो you feel fish out of water. Clear? अगर आपको कोई डाउट है इसको लेके या किसी और saying या word को लेके आप कभी भी बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। YouTube चैनल रेडियो उड़ान है, वहाँ पे vocabulary dose की playlist में जाइए और वहाँ पे अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए and I'll make it clear to you there as well.
अभी के लिए आप मुझे आगे सुनिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सेवन सेइंग की, जो कि आ रही है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसकी बात हमने पहले भी की है कुछ साल पहले, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, LET लेट DTHED कैट CAT कैट आउट OUT आउट ऑफ OF ऑफ द बैग THED बैग BAG बैग लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि रिवील अ सीक्रेट बाय एक्सीडेंट। जब आप गलती से कोई सीक्रेट, कोई जो मतलब गुप्त बात है वो आप बता देते हैं, आपको छुपा के रखनी थी, सीक्रेट था पर आप बोल देते हैं, बता देते हैं गलती से, तो वो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। मतलब जैसे किसी के लिए पार्टी सरप्राइज की थी और बातों बातों में आपके मुंह से निकल गया कि पार्टी है फिर शाम को, जबकि वो छुपा के रखना था उससे, तो वो हो जाता है कि एक्सीडेंटली आपने सीक्रेट रिवील कर दिया, बता दिया। तो यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्लियर। तो चलिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग के बाद जो एट्थ हमारी सेइंग आ रही है शाम की, वो है बैक टू स्क्वेयर वन। बैक टू स्क्वेयर वन BSE के बैक टू TO2 स्क्वेयर SQUARE स्क्वेयर वन ONE वन बैक टू स्क्वेयर वन, यानी कि स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग। जब शुरू से आप फिर से शुरू करते हैं तो वो हो जाता है बैक टू द स्क्वेयर वन। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, व्हेन द प्लान फेल्ड दे वर बैक टू स्क्वेयर वन। जब उन्होंने एक प्लान बनाया था पर वो जब फेल हो गए, नहीं कर पाए, तो उनको शुरू से शुरू करना पड़ा, वन से शुरू करना पड़ा, सो दे वर बैक टू द स्क्वेयर वन, क्लियर। तो ये हो गए हमारे फोर सेइंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 366 एपिसोड। तो चलिए जल्दी से एक रीकैप ले लेते हैं इन फोर सेइंग्स का पार्ट टू का। तो चलिए, जो हमारा फिफ्थ वर्ड था इस शाम का वो था थ्रो इन द टॉवल, THROW थ्रो इन IN DTHED टॉवल TOWEL टॉवल। थ्रो इन द टॉवल यानी कि गिव अप और एडमिट डिफीट। जब आप हार मान लेते हैं तो वो जाता है थ्रो इन द टॉवल। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, आफ्टर years ऑफ ट्राइंग ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल। मतलब बहुत सालों की कोशिश के बाद उसने फिर अंत में जाके गिव अप कर दिया, सो ही थ्रू इन द टॉवल THREW थ्रू इन IN द टॉवल TOWEL टॉवल। थ्रू की स्पेलिंग इसलिए बताया क्योंकि थ्रू थ्रो का सेकेंड फॉर्म है, अपन पास्ट में अगर चले जाए हम तो थ्रो का थ्रू हो गया। इसी के बाद जो सिक्स वर्ड है शाम का वो था फिश आउट ऑफ वॉटर, fish out of water FISH fish out 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 of 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 water WATE of water fish out of water yani someone who feels out of place। मतलब कोई व्यक्ति जिसे out of place feel हो रहा हो, कि उसे ऐसा लगा कि मैं awkward सा feel हो रहा हूँ, तो वो जाता है out of the water। जैसे she felt like fish out of water at her new school। नए school में जब उसने admission ली तो उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो बाहर की और सब एक तरफ है, so she felt like fish out of water, clear। इसी के बाद जो सेवंथ हमारी सेइंग थी शाम की वो थी let the cat out of the bag, let the cat out of the bag LET let DTHED cat 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 out 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 of the bag BAG bag, यानी कि reveal a secret accidentally। मतलब गलती से कोई छुपी छुपाई हुई बात या secret आप गलती से accidentally बता दें तो वो जाता है, तो तब ये use हो जाती है saying। जैसे He let the cat out of the bag about the surprise party। मतलब जो surprise party रखी थी वो गलती से उसने बता दिया कि surprise party रखी, जो कि secret था, surprise देना था। So he let out, तो क्या हो जाएगा, He let the cat out of the bag, clear। इसी के बाद जो eighth saying है शाम की वो थी back to square one, back to square one BSE के back to TO2 square 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 one 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 बैक टू स्क्वेयर वन, यानी कि स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप शुरू से शुरू करते हैं तो वो हो जाता है बैक टू स्क्वेयर वन। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हेन द प्लान फेल्ड दे वर बैक टू स्क्वेयर वन। जब उन्होंने जो प्लान बनाया था वो बिल्कुल फेल हो गया, वो कामयाब नहीं हो पाया, तो उन्हें शुरू से शुरू करना पड़ा नंबर वन से, ठीक है। सो दे वॉज लाइक दे वर बैक टू स्क्वेयर वन, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे फोर सेइंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 366 एपिसोड। तो आज चल रही है बात ऐसी सेइंग्स की जो हम रोजाना अपनी लाइफ में यूज करते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में उन्हें कैसे बोले उसकी बात हो रही है। तो मैं आज लोगों को फैल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर थर्ड सेगमेंट में और सेइंग्स के साथ। तो जल्दी से जाइए, पानी पी के आइए, स्टे हाइड्रेटेड, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में, स्टे ट्यून्ड। डू यू फील कंफ्यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश?
Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udaan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 366th episode and we are talking about 16 sayings that you should know क्योंकि ये वो sayings हैं जो हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं रोजाना अपनी लाइफ में पर इंग्लिश में हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता कैसे बोलना है इन्हें तो उसी की बात हो रही है तो जल्दी से कदम बढ़ाते हैं 9th saying की तरफ जो कि है costs an arm and a leg costs an arm and a leg COSTS, cost, ANN, arm, 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 and AND, and a leg, LEG, leg. Costs an arm and a leg. Yani ki very expensive. Koi cheez jo behad keemti ho, bahut zyada mehengi ho, to uske liye aap bol sakte ho, costs an arm and a leg. Iski humne baat kuch saal pehle ki hai. Isi show pe, of course. तो यहाँ पे example क्या हो सकता है? That car costs an arm and a leg. कोई car है जो कि 3 crore की है तो आप बोल रहे हो ओह दैट कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बहुत ज्यादा कीमती है क्लियर तो 10th saying इस शाम की है थ्रो कॉशन टू द विंड THROW थ्रो कॉशन CAUTION कॉशन टू TO टू द विंड WIND विंड थ्रो कॉशन टू द विंड यानी कि टेक अ रिस्क जब आप रिस्क लेते हैं कोई तो तब आप कह सकते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड जैसे They decided to throw caution to the wind and book a spontaneous trip. मतलब कि उन्होंने रिस्क लिया और एकदम से एक मतलब आज सोचा और कल सुबह का ट्रिप बना लिया तो रिस्क तो होते ही आप बिना सोचे समझे एकदम से कहीं का दूर का ट्रिप बना लेते हैं So they decided to throw caution to the wind and book a spontaneous trip. Spontaneous यानी कि अभी सोचा और अभी टिकटें बुक कर दी क्लियर अगर आपको कोई डाउट है इस सेइंग को लेके या किसी और सेइंग को लेके या वर्ड को लेके या किसी भी चीज की यूसेज को लेके आप कभी भी पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com अभी के लिए 11th saying जो शाम की है वो है Jump on the bandwagon. इसकी बात हमने शायद एक दो बार की है पहले Jump on the bandwagon. J-U-M-P. Jump on D-T-H-E-D. Bandwagon. B-A-N-D-W-A-G-O-N. Bandwagon. यानी कि जैसे मतलब क्या हो गया Join others in doing something trendy. कोई चीज जो हो रही है आजकल ट्रेंड में है उस वो चीज आप करने लगो औरों को देख के तो वो ज्यादा Jump on the bandwagon. जैसे Now that everyone loves the show She jumps on the bandwagon. मतलब अब जब हर किसी को शो पसंद आ रहा है तो वो भी इसका हिस्सा बन गई So now that everyone loves the show, she jumped on the bandwagon. या फिर यूं कहूं जैसे पहले पीछे कुछ साल पहले स्टार्टअप्स का बहुत आता कि हर कोई स्टार्टअप में घुस रहा था इट वॉज लाइक एवरीबडी वॉज क्या हो जाएगा वहां पे हम क्या बोल देंगे वहां पे हम ये यूज कर देंगे एवरीबडी वॉज जम्पिंग ऑन द बैंडवैगन की मतलब स्टार्टअप्स खोलना फिर उसके बाद अब क्या यूट्यूबर हर कोई यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है तो तब भी हम क्या कहते हैं सिंस एवरीबडी इज लविंग यूट्यूब चैनल्स पीपल आर जंपिंग ऑन द बैंडवैगन मतलब इसी उस पे इसी ट्रेंड पे कि हम भी करेंगे ठीक है तो आई होप यू गॉट द सेंस इसी के बाद जो 12th हमारी सेइंग है शाम की वो आ रही है स्टील समवन्स थंडर STEAL steal यानी कि चुराना someone's SOMEONE apostrophe as someone thunder 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 steal someone's thunder यानी कि take credit for someone else's achievements जब आप किसी और की achievements का किसी और के success का जीत का जो होता है ना कि credit है वो आप ले लेते हैं तो तब आ जाता है कि you steal someone's thunder जैसे She didn't want her colleague to steal her thunder during the meeting. वो नहीं चाहती थी कि उसकी मेहनत की जो अचीवमेंट है वो दूसरा व्यक्ति उसका क्रेडिट ले ले. So she didn't want her colleague to steal her thunder during the meeting. तो अब कोई भी व्यक्ति यूज करता है steal someone's thunder यानी कि किसी का क्रेडिट आप ले लो. Clear? I hope you got the sense. इसी के साथ ये हमारी 4 sayings हो गई हैं third segment में इस 366
6th एपिसोड के। तो मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर कुछ मिस आउट हो गया आप जल्दी से रिकलेक्ट कर लें या नोट कर लें फिर से। तो चलिए, 9th जो सेइंग थी शाम की वो थी कॉस एन आर्म एंड अ लेग, COSTS, कॉस एन ए एन एन आर्म ARM आर्म एंड अ लेग LEG लेग, कॉस एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव कोई चीज जो बेहद कीमती हो तो हो जाता है कॉस एन आर्म एंड अ लेग। जैसे दैट कार कॉस एन आर्म एंड अ लेग, मतलब जो कार है वो बहुत ज्यादा कीमती है, 6 करोड़ की कार है, बहुत महंगी है। सो दैट कार कॉस एन आर्म एंड अ लेग। इसी के बाद जो 10th यानी कि 10th जो सेइंग थी शाम की वो थी थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड, THROW, थ्रो कॉशन CAUTION, कॉशन टू TO द विंड WIND, विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड यानी कि टेक अ रिस्क। जब आप एक रिस्क लेते हैं, खतरा लेते हैं, तो वो जाता है कॉशन टू द विंड, जैसे थ्रो कॉशन टू द विंड, जैसे दे डिसाइडेड टू थ्रो कॉशन टू द विंड एंड बुक अ स्पॉन्टेनियस ट्रिप। मतलब उन्होंने रिस्क लिया जब उन्होंने एकदम से सोचते ही एकदम से कोई ट्रिप प्लान कर लिया, बिना सोच विचार किए कि कब जाना चाहिए, किस समय में जाना चाहिए, एकदम से टिकटें बुक कर दी, क्लियर। तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, थ्रो कॉशन टू द विंड। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस सेइंग और एनी अदर सेइंग, यू नो दैट यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, देयर इन यू कैन फाइंड आउट वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट एंड ड्रॉप योर क्वेश्चंस, डाउट एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन द कमेंट एरिया ऑफ एनी ऑफ द एपिसोड्स ऑफ वोकैबुलरी डोज, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर क्वेश्चंस ऑफ क्यूरीज टू मी at my email id divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। अभी के लिए 11th जो हमारी saying है वो थी jump on the bandwagon, JUMP jump on 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 the bandwagon, BANDWAGON bandwagon, यानी कि इसका मतलब होता है join others in doing something trendy, कोई चीज जो हर कोई कर रहा है उसमें उनका हिस्सा बन जाना, आप भी वो करने लगे तो वो हो जाता है। जैसे now that everyone loves the show She jumped on the bandwagon, यानी कि अब जब सबको शो पसंद आ रहा है तो वो भी उसका हिस्सा बन गई, ठीक है। तो jumped on the bandwagon, BANDWAGON। इसी के बाद जो हमारा 12th saying थी शाम की वो थी steal someone's thunder, STEAL, steal यानी कि चुराना, someone's SOMEONE apostrophe someone's thunder, THUNDER यानी कि किसी का क्रेडिट ले लेना, किसी की अचीवमेंट्स का क्रेडिट खुद ले लो, यानी कि टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस अचीवमेंट्स। जैसे शी डिडंट वांट हर कलीग टू स्टील हर थंडर ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब वो नहीं चाहती थी कि उसकी कलीग उसकी अचीवमेंट्स का अपना क्रेडिट ले ले, क्लियर। सो आपको पता होगा कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति आपने मेहनत की होती है और क्रेडिट वो ले लेता है, क्लियर। सो इट्स लाइक स्टील हर थंडर, क्लियर। तो चलिए, मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में, 4th सेगमेंट में 4 मोर सेइंग्स के साथ। तो यू जस्ट हरी अप, टेक सम वाटर, स्टे हाइड्रेटेड एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। हाय एवरीवन, दिस इज बमनी रानी एंड यू लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 366th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेइंग्स जो कि हम सभी यूज करते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में कई बार हमें पता नहीं होता उन्हें क्या कहना है और कैसे कहना है, तो उसी की बात हो रही है पार्ट 2 की, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने बात की थी ऐसी ही कुछ सेइंग्स की। तो चलिए, जो 13th सेइंग है शाम की वो है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, BITE, बाइट ऑफ OFF ऑफ मोर MORE, मोर देन THAN देन YOU कैन CN कैन च्यू CHEW च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब कि टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल, कोई चीज जितनी आप सहन कर सके उससे ज्यादा ले लेना, या फिर जिम्मेदारी जितनी आप ले सके निभा सके उससे ज्यादा जिम्मेवारी ले लेते हैं, तो आप कह सकते हो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जैसे ही रियलाइज्ड ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू विद दिस प्रोजेक्ट, मतलब उसे समझ आ गया था कि उसने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी इस प्रोजेक्ट से उससे बहुत ज्यादा ले ली थी, तो ही क्या आ जाएगा, ही रियलाइज्ड ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, मतलब बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का जो थर्ड फॉर्म हो गया बिटन, BITE, बाइट का क्या हो जाएगा बिटन, BITEN बिटन, तो क्या हो गया, ही रियलाइज्ड ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू With this project, कि इस प्रोजेक्ट में जितनी उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी उससे कई ज्यादा उसने ले ली थी, उसको ये समझ आ चुका था, क्लियर। इसी के बाद जो 14th saying है शाम की वो है weather the storm, weather the storm,
weather, weather, the storm, 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 यानी कि get through a difficult situation, कोई मुश्किल हालातों में से निकल जाना आगे, तो वो हो जाता है weather, thus क्या हो जाएगा storm, जैसे they had financial issues, but they managed to weather the storm, मतलब कि उनके बहुत ही पैसों की तंगी थी, फिर भी उन्होंने किस तरीके से हालातों में से वो निकल आए, सो क्या हो जाएगा दे मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म, ठीक है, तो अगर कोई भी यूज करता है व्यक्ति किसी के लिए भी वेदर द स्टॉर्म, दैट मींस दे हैव कम थ्रू और कह सकते हो दे हैव सक्सेसफुली कम थ्रू सम स्ट्रगल या सम हार्ड टाइम्स, क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस सेइंग और एनी अदर सेइंग, यू नो दैट यू कैन गो टू अवर YouTube चैनल रेडियो उड़ान वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। साथ ही आप मेल कर सकते हैं मुझे divyapens31@gmail.com पे divyapens31@gmail.com। अभी के लिए मूविंग ऑन, 15th सेइंग इस शाम की है ऑन द बॉल ओ एन ऑन दी टी एच दी बॉल बी ए डबल एल बॉल, यानी कि अलर्ट एंड अटेंटिव, अटेंटिव कोई व्यक्ति जो बिल्कुल अलर्ट हो, बिल्कुल अटेंटिव हो, तो उसको आप कहते हो ऑन द बॉल। जैसे द मैनेजर इज रियली ऑन द बॉल विद हर प्रोजेक्ट्स, मतलब जो मैनेजर है वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत चौकन्नी है, बहुत अलर्ट है, तो द मैनेजर इज रियली ऑन द बॉल विद हर प्रोजेक्ट्स, क्लियर। ऑन द बॉल यानी कि बिल्कुल अलर्ट होना, अटेंटिव होना, क्लियर। इसी के बाद जो सोलवें यानी कि 16th जो हमारी सेइंग है इस शाम की वो है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये तो एक आम है, शायद आपने सुना होगा, आप यूज भी करते होंगे, ये मैंने वैसे पहले बताया भी है इसके बारे में आई थिंक लास्ट ईयर। Raining cats and dogs, RAINING, raining cats, 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 AND, and dogs, 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 raining cats and dogs, यानी कि raining heavily, बहुत जोरों की बारिश हो रही हो, तो वो हो जाता है raining cats and dogs। जैसे we had to cancel our picnic because it was raining cats and dogs, कि हमें अपनी picnic cancel करनी पड़ी क्योंकि बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। We क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बताया मैंने आपको, वी हैड टू कैंसिल अवर पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ ये हो गया हमारा 16th सेइंग फॉर द इवनिंग, तो जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है आपकी आसानी के लिए, तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं ताकि कुछ छूट गया हो अगर आपको तो आप जल्दी से दोहरा लें। तो चलिए जो 13th सेइंग थी शाम की वो थी बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, BITE, bite of, OFF, of, more, MORE, more than, THE, and then, YOU, can, 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 chew, 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 bite of, more than you can chew, यानी कि take on more responsibility than you can handle, मतलब जितनी responsibility आप निभा पाए उससे कई ज्यादा responsibility आपने अपने कंधों पे लिया हुआ है, तो वो हो जाता है bite of more than you can chew। जैसे He realized he had bitten off more than he could chew with their project, या with this project, with this project, मतलब उसको एक realization हो गई थी, उसे समझ आ गया था कि उसको जितनी जिम्मेदारी ले सकता है वो उससे उसने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ली हुई है इस project में, so he has bitten off more than he could chew with this project, ठीक है, so he has bitten, तो bite का जो third form हो गया bitten, clear? तो चलिए इसी के बाद जो 14th हमारी सेइंग है शाम की वो थी वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर टी एच ई डी स्टॉर्म, एस टी ओ आर एम स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म यानी कि गेट थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालातों में से आगे निकलने को हम कहते थे वेदर द स्टॉर्म। जैसे दे हैड फाइनेंशियल इश्यूज बट दे मैनेज्ड टू वेदर द स्टॉर्म, मतलब उनके हालात, फाइनेंशियल हालात बहुत खराब थे पर वो उन्होंने किसी तरीके से हालातों में से निकल के आगे निकल आए, सो दे वेदर द स्टॉर्म, क्लियर, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर द स्टॉर्म, एस टी ओ आर एम स्टॉर्म। इसी के बाद जो 15th सेइंग है शाम की वो थी ऑन द बॉल ओ एन ऑन टी टी एच ई डी बॉल बी ए डबल एल बॉल, ऑन द बॉल यानी कि अलर्ट एंड अटेंटिव, कोई व्यक्ति जो बेहद अटेंटिव है, बिल्कुल अलर्ट है, चौकन्ना है, तो वो हो जाता है ऑन द बॉल। जैसे द मैनेजर इज रियली ऑन द बॉल विद हर प्रोजेक्ट, जो हमारी मैनेजर है वो काफी अलर्ट है अपनी प्रोजेक्ट को लेके, ये सो शी इज ऑन द बॉल रिगार्डिंग हर प्रोजेक्ट्स, या फिर शी इज द मैनेजर इज रियली ऑन द बॉल विद हर प्रोजेक्ट्स, क्लियर। इसी के बाद जो लास्ट यानी कि 16th सेइंग थी शाम की वो थी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है तब आप कहते हो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आर ए आई एन आई एन जी, रेनिंग कैट्स, सी ए टी एस, कैट्स, एंड ए एन डी, एंड डॉग्स, डी ओ जी एस, डॉग्स,
रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि जोरों की बारिश, रेनिंग हैवीली, जैसे वी हैड टू कैंसल अवर पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है, तो वी हैड टू कैंसल अवर पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. क्लियर? तो इसी के साथ ये होगी हमारी फोर सेइंग्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 366th एपिसोड. मैं आरजे लोकोपाल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर. लास्ट सेगमेंट में बने रहिए आप, जल्दी से पानी पी आइए, मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत पास. स्टे ट्यून्ड. Now we are in the last segment of this 366th episode and आज हमने बात की है ऐसे 16 sayings की जो शायद हम सभी बोलते हैं हिंदी में अपनी रोजाना डे टू डे लाइफ में, पर इंग्लिश में हमें कई बार पता नहीं होता है क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कैसे यूज करते हैं. तो उन्हीं कुछ दिलचस्प saying की बात आज भी हमने की, लास्ट वीक भी की थी. तो ये कैसी लगी आपको sayings बताइएगा जरूर, और अगर आपके पास कोई भी डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक, व्यूज, सजेशन या एडवाइस है जरूर शेयर कीजिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव. भेजने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान RADIOUDAAN वहाँ जाइए, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना फीडबैक, आइडिया, सजेशन या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं. वहाँ पे सभी के सभी 366 एपिसोड आपको मिल जाएंगे. या फिर आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, X/ट्विटर और लिंक्डइन पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं. मेल करने के लिए आप हमें mail@radiouran.com पे कर सकते हैं या फिर divyapens31@gmail.com पे भी कर सकते हैं, divyapens31@gmail.com. तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7-8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2-3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. तो मुझे यानी कि आरजे लोकोपाल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनांगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड कीप यूजिंग दीज सेइंग्स. स्टे ट्यून्ड. Radio Union, a flavor of life. www.radiounion.com.